मेरे दोस्त, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात तो तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। लेकिन आज की इस हीरो की कहानी इस कहावत से बिल्कुल अपोजिट है। शिद्दत से चाहना तो बहुत दूर की बात है मेरे दोस्त, ये बनता जिस चीज के भी करीब होता था वो चीज इसे छीन जाती थी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी अपनी सिचुएशन बहुत छोटी लगने लग जाएगी। 12 फरवरी 1809 इस बंदे का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। जब ये महज 2 साल का था तब इसको वो घर छोड़ना पड़ा जिस घर में ये पैदा हुआ था। जब ये 7 साल का था तब इसे अपना दूसरा घर भी छोड़ना पड़ा। इतना तक तो चलो ठीक है मेरे दोस्त, मगर ये बंदा जब 9 साल का था तब इसकी माँ की डेथ हो गई और ऊपर वाले ने इसको माँ को भी इसे छीन लिया। जिंदगी एक के बाद एक इसको तमाचा मार ही रही थी, लोग इसे पनौती समझ कर इसे दूर भाग रहे थे। ये बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया मेरे दोस्त कि अपने आप को चाकू छुरियों से दूर रखने लगा था, क्योंकि ये डर रहा था कि कहीं वो खुद को ही ना मार डाले। लेकिन मुसीबत तो अभी बाकी ही थी। जब 1842 में इस बंदे ने शादी करी तब इसके 4 बेटे हुए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही बेटा जिंदा था, क्योंकि 3 साल की उम्र में इसके पहले बेटे की डेथ हो गई, 11 साल की उम्र में इसके दूसरे बेटे की भी डेथ हो गई और 18 साल की उम्र में इसके चौथे बेटे की भी डेथ हो गई। ऐसा लग रहा था कि भगवान इसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी यह बंदा हारने को राजी नहीं था। इसने इलेक्शन लड़ने का सोचा और वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़ा लेकिन हार गया। 24 साल की उम्र में इसने बिजनेस शुरू किया लेकिन ये वहाँ भी फेल हो गया। इसने दोबारा कोशिश करी लेकिन फिर से फेल हो गया। 34 साल की उम्र में इसने इलेक्शन लड़ा लेकिन हार गया। 39 साल की उम्र में इसने इलेक्शन लड़ा लेकिन फिर से हार गया। 41 में इसने फिर से लड़ा लेकिन फिर से हार गया। 44 में लड़ा, हार गया। 47 में लड़ा, हार गया। ऐसा लग रहा था कि मौत इस बंदे का एकमात्र सोल्यूशन है, क्योंकि ये बंदा जो भी कर रहा था उसमें ये हार रहा था। लेकिन हार भी कब तक हराएगी तुमको मेरे दोस्त, जब सामने वाला हारने के लिए तैयारी नहीं है। और 51 साल की उम्र में इस बंदे ने दोबारा इलेक्शन लड़ा और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना, जिसे दुनिया आज द अब्राहम लिंकन के नाम से भी जानती है। मेरे दोस्त, हारना बुरी बात नहीं होती, हार कर बैठ जाना बहुत बुरी बात होती है। कुछ कर दिखाओ वैसा जो दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।